इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए टीम इंडिया का ऐलान हो गया है और तभी से इस टीम पर चर्चा शुरू हो गई है। इस स्क्वाड में अक्षर पटेल, कुलदीप यादव जैसे अनुभवी प्लेयर्स नहीं हैं। इसमें कम फर्स्ट क्लास मैच खेले हर्षित राणा और नीतीश कुमार रेड्डी जैसे प्लेयर्स को मौका मिला है। अब ऐसा हुआ तो फैंस ने बातें बनानी शुरू कर दी और सवाल करने लगे कि ये कैसे हुआ। अब इन सवालों के बीच बीसीसीआई के एक सोर्स ने सारी पोल पट्टी खोल दी। इन्होंने बताया कि हर्षित राणा के सिलेक्शन के लिए तो कोच गंभीर अड़ गए थे और नीतीश कुमार रेड्डी टीम की मजबूरी है क्योंकि इनके पास एक भी सीम बोलिंग ऑलराउंडर नहीं है। पीटीआई से बात करते हुए बीसीसीआई सोर्स ने कहा, हर्षित राणा पूरे तरीके से गौतम गंभीर की चॉइस है। वो श्रीलंका दौरे से ही उनके लिए बात कर रहे हैं। उनको रिजर्व बोलर के तौर पर भी टीम के साथ रखा गया था और चूंकि वो नवदीप सैनी और मुकेश कुमार से युवा और तेज हैं तो उन्होंने इन दो बोलर्स को पछाड़ते हुए फाइनल स्क्वाड में जगह बना ली। नीतीश कुमार रेड्डी पर बात करते हुए बीसीसीआई सोर्स बोले, हार्दिक पांड्या ने लाल गेंद वाली क्रिकेट खेलनी बंद कर दी है और शिवम दुबे जो कि इंजर्ड हैं उनकी बोलिंग उस लेवल की नहीं है। नीतीश पर अभी काम चल ही रहा है लेकिन अगर इंडिया को अपने स्क्वाड में बैलेंस लाना है तो उनको अपना चौथा सीम बोलर एक ऑलराउंडर चाहिए होगा। इसलिए आईपीएल और बांग्लादेश सीरीज के प्रदर्शन को देखते हुए नीतीश एक डिस्परेट चॉइस हैं। अब आपको इन दोनों के फर्स्ट क्लास आंकड़े भी बताते हैं। हर्षित राणा केकेआर के लिए आईपीएल 2024 में कमाल का प्रदर्शन करने वाले प्लेयर। इन्होंने कुल 9 फर्स्ट क्लास मैच खेले हैं और 36 विकेट्स निकाले हैं। हर्षित की खूबी ये है कि वो लगातार 140 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से बॉलिंग कर सकते हैं। वहीं नीतीश कुमार रेड्डी ने 21 मैच में 708 रन बनाने के साथ 55 विकेट्स भी निकाले हैं। इसके साथ आपको टीम इंडिया की 18 सदस्य वाली स्क्वाड भी बताते चलते हैं। रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह, यशस्वी जायसवाल, अभिमन्यु ईश्वरन, शुभमन गिल, विराट कोहली, केएल राहुल, ऋषभ पंत, सरफराज खान, ध्रुव जुरेल, रविंद्र जडेजा, आर अश्विन, मोहम्मद सिराज, आकाश दीप, प्रसिद्ध कृष्णा, हर्षित राणा, नीतीश कुमार रेड्डी और वॉशिंगटन सुंदर। इनके अलावा रिजर्व प्लेयर्स में मुकेश कुमार, नवदीप सैनी और खलील अहमद हैं। साथ में इस बार ये ट्रॉफी कौन जीतेगा इसका फैसला 4 नहीं बल्कि 5 टेस्ट मैच से होगा। इस बार ये सीरीज 5 मैच की होगी और इसका पहला मुकाबला 22 नवंबर से पर्थ में होगा। इसके बाद दूसरा मैच 6 दिसंबर से एडिलेड, तीसरा मैच 14 दिसंबर से ब्रिस्बेन, इसके बाद चौथा मैच 26 दिसंबर से मेलबर्न और फिर आखिरी मैच 3 जनवरी से सिडनी में होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। मैं हूं गरिमा। स्पोर्ट्स से जुड़ी खबरों के लिए आप लोग देखते रहिए ललन टॉप स्पोर्ट्स। शुक्रिया।